हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये बरसात का टाइम चल रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये बहुत ही सही टाइम है अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करने का, उनको कटिंग से तैयार करने का। तो ये अगस्त का महीना चल रहा है अभी, तो मैं आपके साथ कुछ प्लांट शेयर करने वाला हूँ जिनको आप कटिंग से अभी लगा दीजिए। आगे सर्दी का टाइम आ रहा है तो आप सर्दियों में कटिंग से उनको लगा नहीं सकते और सर्दियों में प्लांट्स की ग्रोथ भी कम हो जाती है। तो गाइज़, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। हमारा फर्स्ट प्लांट है कैलिसिया रिपेंस, इसको टर्टल वाइन भी कहते हैं। गर्मियों में आप कभी भी इसको लगाइए, इसकी कटिंग लग जाती है। आप इसकी जड़ों से छोटे पौधे निकाल के अलग लगा सकते हो। देखिए, मैंने कुछ पौधे लगाए हैं, ये हैंगिंग प्लांट्स हैं, इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो तो बहुत अच्छा फॉलो जाता है। ये देखिए मैंने छोटे गमले में अभी 5 दिन पहले ही कुछ पौधे इसके लगाए थे और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी। और ये देखिए, मैंने इनको हैंगिंग बास्केट में भी लगाया है और इसका रिज़ल्ट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट प्लांट है बुद्धा बैम्बू, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, होम डेकोरेटेड प्लांट है। ये जिस प्लांट को लगाना बहुत ही आसान है, मैंने इसको कटिंग से लगाया था और इसके बारे में आपको बताता हूँ। इनकी जड़ों से आप एक पौधा निकाल के लगा लीजिए तो वो ही आगे जाके फैल जाएगा, या फिर आप इनकी कटिंग लगा सकते हो। अगर आप इनकी कटिंग लगा रहे हो तो ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा पानी ना दें, ऐसे में आपकी कटिंग गल सकती है। तो देखिए, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है अभी। तो जैसे ये वाली टहनी है छोटी, बहुत सी ब्रांचेस है, तो आप इनको काट निकाल लीजिए जड़ों समेत और लगा दीजिए। देखिए, ये मैंने ये वाला पौधा लगाया था लगभग 1.5 साल पहले, तो पूरा फैल गया और काफ़ी बड़ा पौधा मिला मुझे, तो आप इनको अभी ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट है सिंगोनियम, आप सिंगोनियम को कटिंग से ज़रूर लगाएं। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है, इसका रूट सिस्टम अभी इस महीने में बरसात में काफ़ी अच्छा होता है, तो आप इसको अभी कटिंग से लगाएं और आपका पौधा बहुत अच्छे से जो सरवाइव करेगा और बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। तो आप इसकी कटिंग करके इनको लगा सकते हो। ये देखिए, मनी प्लांट की जितनी भी वैरायटी है और सिंगोनियम, आप इसको अभी लगाइए कटिंग से। इनमें रूट सिस्टम बहुत जल्दी से शुरू हो जाता है, बरसात का टाइम बहुत अच्छा होता है इसको लगाने के लिए, तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगाएं कटिंग से। गाइस, नेक्स्ट है हेज प्लांट, ये देखिए आप हेज प्लांट की कटिंग लगाइए और अभी ये कटिंग बहुत अच्छी ग्रोथ देगी। मैंने बहुत से पौधे हेज प्लांट के लगाए हैं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई भी थी इसके बारे में, तो आप हेज प्लांट को बरसात में लगाएं, बहुत अच्छी ग्रोथ देते हैं ये। ये अलग अलग वैरायटी के होते हैं, आप सभी जो हेज प्लांट है उसको कटिंग से अभी लगा सकते हो। ये देखिए, ये पर्पल हेज प्लांट है, इसको भी मैंने काफ़ी कटिंग से लगाया है और आप इसको जो है अभी कटिंग से लगा सकते हो। ये बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट है पत्थर चट्टा, इस प्लांट को आप गर्मी में वैसे तो कभी भी लगा सकते हो, लेकिन अभी जो रेनी सीजन में आप इसको लगाओगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसको पत्ते से लगा सकते हो आप, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको अभी कटिंग से लगाइए, क्योंकि कटिंग से लगाने से आपको बहुत जल्दी जो है अच्छे प्लांट मिल जाएंगे। तो ये देखिए, इस पत्ते में देखिए नए रूट सिस्टम शुरू हो चुके हैं, नए पौधे बनने शुरू हो चुके हैं, आप इसको पत्ते से लगा सकते हो। लेकिन पत्ते से अगर आप इसके पौधे तैयार करोगे तो थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा प्लांट बनाने में, लेकिन मैं आपको इसको दिखाता हूँ। ये देखिए, कटिंग से लगाने से आपको पौधे बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। ये देखिए, ऐसे ही इनमें जो है जड़ें आ रही हैं अभी से, आप इनकी कटिंग लगाइए और आपको बहुत अच्छे पौधे मिल जाएंगे। ये देखिए, तो पत्थर चट्टा को आप कटिंग से लगाइए और लगभग 1 महीने में ही आपके बड़े अच्छे पौधे बन जाएंगे। नेक्स्ट प्लांट है बोगनवेलिया, बोगनवेलिया की बहुत सी वैरायटी होती है। ये देखिए, इस वैरायटी में इनके जो पत्ते होते हैं इनका ही बहुत ही खूबसूरत फॉलेज बनता है, तो आप इसकी कटिंग ज़रूर लगाएं अगर आपके पास ये पौधे हैं। ये देखिए, लगभग 15 दिन पहले मैंने इनकी कटिंग लगाई थी और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो अभी भी टाइम है, आप इजीली इनकी कटिंग लगाइए और आप नए पौधे बना सकते हैं। इनमें बहुत ही खूबसूरत फूल लगते हैं और इनकी बहुत सी वैरायटी होती है, ये पौधा ईजिली मिल जाता है, तो आप इसकी कटिंग ज़रूर लगाएँ। देखिए, गर्मियों में इनको बहुत ही खूबसूरत फूल लगते हैं। नेक्स्ट प्लांट है बोस्टन फर्न, आप बोस्टन फर्न को इस सीज़न में ज़रूर लगाएं और ये बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है, ये एक एयर प्योरीफायर प्लांट है। ये देखिए, इन पॉली बैग्स में मैंने एक एक ही पौधा लगाया था, बाकी आगे से आगे ये खुद फैलते जाते हैं, तो हमें इनमें से एक छोटे पौधे निकाल के जो है अलग छोटे पॉली बैग्स में लगाने हैं, तो हमारे नेक्स्ट प्लांट तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, ये छोटा पौधा मैंने ऐसे ही तैयार किया था, लगभग 3 महीने पहले लगाया था मैंने ये छोटा सा, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे रहा है। आप गर्मी में कभी भी इसको लगा सकते हो और बरसात में बहुत अच्छी ग्रोथ देता है ये, तो आप बोस्टन फर्न को ज़रूर लगाएं अगर आपके पास है।
आपको ये प्लांट नर्सरियों में इजीली मिल जाएगा, तो आप एक पौधा ले आइए, बाकी आगे से आगे आप काफ़ी पौधे तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट प्लांट है स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन को बरसात में आप लगाइए इसकी कटिंग से, और बहुत से पौधे आप नए तैयार कर सकते हो। ये देखिए इनकी जड़ें बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये प्लांट सेंसिटिव होता है, हल्का सा मिट्टी में छूने से ही इनकी जड़ें आने लगती है, तो आप इनकी छोटी छोटी लगभग 3-3, 4-4 इंच की कटिंग लगाइए और आपको काफ़ी पौधे मिल जाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इनकी, तो मैंने इनकी काफ़ी कटिंग लगाई थी, अभी भी मैंने कुछ कटिंग लगाई है इस प्लांट की, और आप इस प्लांट को ज़रूर लगाएं, बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसका फॉलेज बहुत ही अच्छा होता है। देखिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो मैं इसी प्लांट पे बनाने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस बात करते हैं स्पाइडर प्लांट की, तो आप स्पाइडर प्लांट अगर आपके पास है तो आप इसको अभी जरूर लगाएं। ये देखिए इसमें कुछ नए ऐसे छोटे बेबी प्लांट्स आते हैं, तो आप इन्हीं को अलग करके नए पौधे लगा सकते हो। मैंने काफ़ी पौधे लगाए हैं ऐसे ही। ये देखिए ये 4 महीने का पौधा है और कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। सर्दियों में इनके पत्ते थोड़े से मुरझा से जाते हैं, क्योंकि सर्दियों का, बहुत तेज़ सर्दियों का इन पर काफ़ी असर पड़ता है, लेकिन पौधा ख़राब नहीं होता, तो सर्दियों से पहले पहले हम अपने नए पौधे बना सकते हैं। ये देखिए इनमें बहुत से ऐसे पप्स आते हैं, देखिए बेबी प्लांट्स। तो अगर आपके पास ये पौधा नहीं है, आप एक पौधा ला सकते हो, या कहीं से आप ये बेबी प्लांट्स ले सकते हो और नए पौधे बना सकते हो। ये देखिए ये है ग्रीन स्पाइडर प्लांट, इसको भी मैंने लगाया है, और ये देखिए इसको भी हाल ही में 5 दिन पहले मैंने इनके छोटे पॉली बैग में लगाया है, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। गाइस नेक्स्ट है कमल का फूल। ये देखिए मैंने कमल के फूल के बीज लगाए हुए हैं, ये बहुत ही सही टाइम है, ये मैंने 1 हफ्ता पहले लगाए थे, और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। अभी कुछ सीड्स और पड़े हैं जो जर्मिनेट हो रहे हैं, तो अगर आपके पास सीड हैं, आप कहीं से प्रोवाइड कर सकते हो, तो आप इनको अभी ज़रूर लगाएं, इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, बाद में हम इनको बड़े गमले में शिफ्ट कर देंगे, तो आप कमल के फूल ज़रूर लगाएं। इनकी जर्मिनेशन बहुत इजीली हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट प्लांट है हिबिस्कस। ये देखिए काफ़ी बड़े पौधे थे, हमने अभी हाल ही में इनकी प्रोनिंग की है, और जो टहनियाँ नीचे गिरी है आप देखिए अभी तक हरी है, आप इनको अभी लगा सकते हो और ये बहुत अच्छी ग्रोथ देंगी। बरसात का टाइम इनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हवा में भी नमी होती है। ये देखिए अभी 5 दिन पहले हमने इनको काटा था और ये मुरझाए तक नहीं अभी तक, तो ये देखिए इनमें कुछ नई बर्डिंग्स आ रही हैं, तो आप इनको कटिंग करके लगा सकते हो अभी। ये देखिए ये जो नए पत्ते आ रहे हैं इनमें, ये बहुत अच्छी कटिंग है, आप इनको लगाइए और 100% आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, क्योंकि मौसम हिबिस्कस की कटिंग को लगाने के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए हिबिस्कस की कटिंग की थी, इसको ऐसे ही फेंका हुआ था, ये देखिए कितनी अच्छी जड़ियाँ हैं इसमें, तो हिबिस्कस को लगाने का बहुत अच्छा टाइम है ये, क्योंकि अगर आप 10 कटिंग लगाओगे तो 10 के 10 ही पौधे आपके कामयाब होंगे। तो मैं इसे भी लगा ही देता हूँ। देखिए ये पौधे पिछले महीने ही मैंने एयर लेयरिंग से और ये वाले कटिंग से तैयार किए हैं, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी, तो आप इनको ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट ये है पर्पल हर्ट प्लांट, इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हो, आजकल आप इसको कटिंग से लगाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप इसको फूलों की क्यारियों में या किसी गमले में लगा सकते हो, तो यहाँ से जैसे ये है देखिए आप इसको ईजिली काट के लगा सकते हो, इनकी जड़ों से लग करके भी इनको लगा सकते हो, लेकिन इनकी कटिंग भी बहुत अच्छे से चलती है। ये देखिए पिछले साल की कटिंग है मैंने इसमें लगाई थी, ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, मैंने और भी बहुत से पौधे लगाए थे, तो आप पर्पल हार्ट प्लांट को ज़रूर लगाएं, ये कटिंग से बहुत अच्छे से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट है जेबरीना। जेबरीना को आप इजीली कटिंग से लगा सकते हो, ये एक हैंगिंग प्लांट है, तो इसकी बहुत सी वैरायटी होती है, हम सभी को आप कटिंग से इजीली लगा सकते हो। 4 महीने पहले सिर्फ मैंने एक ही कटिंग इसमें लगाई थी छोटे गमले में, और देखिए कितना फैलाव हुआ इसका, तो आप इसको ज़रूर लगाएं और आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी इसकी, एक बहुत ही खूबसूरत फॉलेज प्लांट है। नेक्स्ट ये है शुईमुई, इसको टच मिनट प्लांट भी कहते हैं। इस प्लांट के सीड बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, आप इनके सीड जो है कलेक्ट करके रख लीजिए, अगले साल के लिए आप इन्हीं से नए पौधे तैयार कर सकते हो। ये देखिए और लगभग अभी 2-3 महीने तक इसके सीड जो है अभी बनते रहेंगे, क्योंकि ये देखिए फूल आ रहा है, ये भी फूल बनेंगे, इसके बाद ये थोड़ा सा ऐसे ये भी सूख जाएंगे, तो इन्हीं से सीड तैयार होंगे, तो आप इनके सीड कलेक्ट करके रख लीजिए और अगले साल आप इन्हीं से नए पौधे तैयार कर सकते हो। मैंने काफ़ी पौधे तैयार किए थे इस साल भी, ये देखिए काफ़ी अच्छे सीड तैयार हो रहे हैं इनसे। हमारा अगला पौधा है पेरेनियल लेमन।
ये बारहमासी नींबू। पिछले साल हमने इन पौधों को कटिंग से लगाया था, ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है, लगभग एक साल में ही काफ़ी अच्छे पौधे बन चुके हैं। ये देखिए ये सभी पौधे हमने कटिंग से लगाए हैं, इनको आप कटिंग से लगा सकते हो। आजकल इनकी कटिंग लगाइए और आप इसकी एयर लेयरिंग कीजिए, बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एयर लेयरिंग से मैंने काफ़ी पौधे तैयार किए हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हो, कटिंग से आपको बहुत अच्छे पौधे मिल जाएंगे। ये है वो बड़ा प्लांट जिससे हमने ये कटिंग ली थी पिछले साल। देखिए इसको नींबू हमेशा लगे ही रहते हैं, पूरा साल इसको नींबू लगे रहते हैं, इसलिए इसको बारहमासी नींबू कहते हैं। ये देखिए इस प्लांट की मैं ऑलरेडी वीडियो बना रहा हूँ, तो गाइज़ वो वीडियो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आप इसको एयर लेयरिंग कीजिए, एयर लेयरिंग से क्या होगा कि आपका पौधा बहुत जल्दी से तैयार हो जाएगा, लगभग 2 महीने में ही आपका प्लांट रेडी होगा, लेकिन कटिंग से थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए तो आप इसको कटिंग से या एयर लेयरिंग से ज़रूर तैयार कीजिए, ये बिल्कुल सही टाइम है इसका। ये देखिए नींबू के पौधे जो मैंने एयर लेयरिंग द्वारा तैयार किए थे, अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने इनको इस पॉली बैग में लगाया है और अगले साल तक ये फ्रूट देना शुरू कर देंगे। इसके अलावा मैं आपको अमरूद के बारे में बताता हूँ। अमरूद का सीज़न चल रहा है, जो पक के फल नीचे गिर जाते हैं, जो पेड़ पे ही पकते हैं, आप उनका बीज अभी से लगा दीजिए और आप बड़ी अच्छी उनकी शील्डिंग तैयार कर सकते हैं। आप इनको एयर लेयरिंग करके भी इन पौधों को तैयार कर सकते हैं, और अगर आपको शील्डिंग से लगाना है, बीजों से लगाना है, तो आप इनका बीज अभी से लगा दीजिए, आपके नए पौधे तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा गाइस पौधों को रिपोर्ट करना और इनको बड़े पॉली बैग में या गमले में लगाना या मिट्टी में लगाना, चाहे वो फलदार पौधा हो या फिर कोई डेकोरेटेड, ये बिल्कुल सही टाइम है इस काम के लिए। इसके अलावा गाइस आम के पौधों की जो शील्डिंग होती है, देखिए बहुत ईजीली ये ग्रोथ कर जाती है, आप इनको लगाइए अभी, चाहे आप इसको किसी गमले में या फिर किसी लिफाफे में लगा दीजिए, और सही समय आने पर आप इस पर ग्राफ्टिंग कीजिए, तो आप जैसा चाहे, जिस वैरायटी का चाहे, अपने आम के पौधे को वैसा बना सकते हो। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा और जिसमें आपको बताऊंगा कि इसको ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं, बिल्कुल जिससे आपका पौधा सही से ग्रोथ करे और आपकी ग्राफ्टिंग कामयाब हो। ग्राफ्टिंग करने के भी 3-4 तरीके होते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप बहुत आसानी से ग्राफ्टिंग कर सकते हो और आपका पौधा जो है सही से चलेगा। सो इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और प्लांट की वीडियो में। हैव अ नाइस डे।